नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। अनुसुईया उइके राज्यपाल मणिपुर ने नवाज द्वारा तैयार किया राज्य फोकस पेपर 2024 और 2025 जो कि जारी कर दिया गया है। राज्य भवन में स्टेट फोकस पेपर 2024 और 2025 जारी किया गया। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट द्वारा तैयार किया गया पेपर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिभाषित मणिपुर राज्य में प्राथमिकता क्षेत्र की गतिविधियों के लिए 2,963,17,00,000 रुपए की कुल ऋण क्षमता का अनुमान लगाया गया है। राजभवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित राज्य क्रेडिट सेमिनार 2024 में पेपर जारी करते हुए राज्यपाल ने यह कहा कि नाबार्ड द्वारा तैयार संभावित लिंक क्रेडिट योजना को जिलेवार क्रेडिट योजनाओं को एकत्रित करके वर्ष 2024 और 2025 के स्टेट फोकस पेपर के रूप में जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के आधार पर राज्य का आर्थिक विकास होगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सभी बैंकर्स एवं सरकारी अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि सभी हितधारक अपने अपने उत्तरदायित्वों का ईमानदारी, संवेदनशीलता एवं त्वरित गति से निर्धारित समयावधि में निर्वहन कर लक्ष्य प्रति एवं सभी चीजें प्राप्ति में सहयोग करेंगे। राज्यपाल ने आगे ये कहा कि मणिपुर के ग्रामीणों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, उनके आय स्तर और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए राज्य में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नाबार्ड द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करना आवश्यक है और यह कार्य बैंक के अधिकारियों के सहयोग से ही किया गया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों, कृषि, कुटीर और ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प और ग्रामीण शिल्प और अन्य आर्थिक गतिविधियों और MSME की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र के प्रचार और विकास के लिए ऋण सुविधाएं, बाजार और उचित मूल्य प्रदान करना आवश्यक है। नाबार्ड ने अपने स्टेट फोकस पेपर 2024 और 2025 में उपलब्ध ऋण क्षमता 2,963,17,00,000 रुपए होना अनुमान लगाया है। इसमें से 1,422.88 करोड़ रुपए यानी कि 48% कृषि गतिविधियों के लिए अनुमानित है, जबकि 1,136.22 करोड़ रुपए यानी कि 38% MSME के लिए अनुमानित है और शेष 14% यानी कि 404.07 करोड़ रुपया अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए अनुमानित किया गया है। राज्यपाल ने विश्वास व्यक्त किया है कि सभी हितधारक लक्ष्य हासिल करने के लिए काम करेंगे और राज्य के विकास में योगदान देंगे। वहीं सेमिनार में RBI, SBI, PNB, मणिपुर ग्रामीण बैंक आदि के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। छिंदवाड़ा से अखिल सूर्यवंशी की खास रिपोर्ट। और भी खास जानकारी के लिए जुड़े रहिए डीवी न्यूज के साथ।